दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा CFS साइट के लिए कैसे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है और वो इंडियन ऑयल कंपनी का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। पहले हम चलते हैं जो हमारी एक वेबसाइट है पेट्रोल पंप dealerchain.in, ठीक है। इस पे हम आ गए दोस्तों। इस पे आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपको एडवर्टीजमेंट सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। अब हम यहाँ पे इसको साइड में कर देते हैं। चलिए यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अप्लीकेंट लॉगिन कर लेते हैं, या फिर आप सीधा आइए अप्लीकेंट लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और बिना रजिस्ट्रेशन के आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे और सारी डिटेल्स भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको सारी डिटेल्स पता चल पाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हम मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से इसका डैशबोर्ड ओपन हो के आता है, और ओपन होने के बाद किस तरह से इसमें सारी चीज़ें होती हैं। देखिए ये डैशबोर्ड ओपन जाते हैं दोस्तों अवेलेबल एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अवेलेबल एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे देखा जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो कंपनीज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे तीनों कंपनीज हैं, BPCL, HPCL और IOCL। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं IOCL की, ठीक है। IOCL के जितने भी स्टेट की इसमें आउटलेट के लिए, रिटेल आउटलेट के लिए एडवर्टीजमेंट निकला हुआ पूरी डिटेल्स में दिखेगी स्टेट वाइज। तो दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस स्टेट में हमको देना है, फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे देखिए टाइटल लिखा हुआ है, कंपनी नेम है, स्टेट है, ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है। तो हम चलते हैं कहाँ पे, अपने सेलेक्ट कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट को, जिस डिस्ट्रिक्ट में हमको भरना है। तो मैंने भरना है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे देखें व्यू डिटेल्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सारी वैकेंसीज आ जाएंगी, एडवर्टीजमेंट पूरी डिटेल आ जाएगी सारे लोकेशंस की, ठीक है। आप उसको वन बाई वन कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आप उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं। जिसमें देखिए दोस्तों क्या क्या आ रहा है। ऊपर लिखा हुआ टाइटल अपॉइंटमेंट ऑफ रिटेल आउटलेट डीलरशिप इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बाय IOCL, ठीक है। पब्लिश डेट क्या है, 28 जून 2023। कंपनी नेम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लिया है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे क्या है, व्यू एडवर्टीजमेंट डिटेल, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे डिवीजन लिखा हुआ आ रहा है और साथ में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे जितने भी उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हैं सारे डिस्ट्रिक्ट का है। लोकेशन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि किस लोकेशन पे पर्टिकुलर वैकेंसी निकली हुई है, और साथ में ही दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ, सीरियल नंबर। जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं, चाहे वो HPCL की हो, चाहे वो IOCL की हो, चाहे वो BPCL की हो, सबकी अलग अलग सीरियल नंबर अलॉट की गई है। और टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट कैसा है, ये रेगुलर है या रूलर है, ये सारी चीज़ें भी दी हुई हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, ड्रॉप लॉट्स है, और कैटेगरी क्या है उसको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट। मेरे क्लाइंट हैं जौनपुर के, मैं उनका देखिए यहाँ से मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों एक साइट है उनका, मैं एक मिनट, उनकी मैं कैटेगरी, वो SC कैटेगरी से हैं। तो SC कैटेगरी में जितने भी वैकेंसीज हैं मैं उसको देख लेता हूँ। देखिए दोस्तों इतनी वैकेंसीज हैं, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया SC। तो यहाँ पे डिवीज़न आ रहा है, डिवीज़न वाराणसी, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, और साथ में लोकेशन डिस्क्रिप्शन सीरियल नंबर के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे एक इनका है, ये है आपका, इसका सीरियल नंबर है 463, रूलर में है। इसको हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप दोस्तों अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको आगे फिलअप करने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़ की कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। देखें दोस्तों यहाँ पर डिटेल लिख के आ गई, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटेल आउटलेट डीलरशिप इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बाय IOCL, और ये क्या है, लोकेशन नेम ऑफ लोकेशन दिया हुआ, विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम बरेपार चौराहा वाइल मूविंग फ्रॉम बरेपार टू सिकरारा रूट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई एज इंडिविजुअल या फिर पार्टनरशिप, आपको जिस भी तरह से करना है आप उसको कर सकते हैं। तो मेरे क्लाइंट को करना है इंडिविजुअल, तो हम क्लिक करते हैं इंडिविजुअल पे। जैसे दोस्तों इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होके आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हो, आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई एज इंडिविजुअल, आफ्टर दैट यू कांट चेंज इट, दैट इज कि दोस्तों अगर आपने यहाँ पे ओके कर दिया तो आप इसको इंडिविजुअल में ही अप्लाई करेंगे। अगर इंडिविजुअल में अप्लाई हो गया तो आप उसको चेंज
नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने ओके कर दिया। अब दोस्तों जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, कैटेगरी एससी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर द कैटेगरी अप्लाइड एज अबव इज आर अवेलेबल विद मी एस एंड विल बी सबमिटेड एज एंड व्हेन एडवाइज बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। मतलब इस कैटेगरी की जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगी हमें तब सबमिट करना पड़ेगा जब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हमें एडवाइस करेगा, हमें गाइड करेगा सबमिट करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए रिटेल आउटलेट टाइप क्या है, रूलर है। अप्लीकेशन फीस कितना है, ये आपका है 2500 रुपये। और टाइप ऑफ साइट क्या है, CFS साइट है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आर यू डीलर ऑफ अनवियल SKO डीलरशिप, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो NA मतलब नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे जेंडर है, मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, एड्रेस आपको डालना है, पिन कोड आपको डालना है, ठीक है। तो एड्रेस हम डाल देते हैं, जो भी है एड्रेस मैंने डाल दिया, ठीक है। आप यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, पिन कोड डाल देंगे जो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है स्टेट, स्टेट आपको उत्तर प्रदेश जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो वही चीज़ डालना जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो ये आपका है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ये भी है भी वहीं के हमारे क्लाइंट। तो इस तरह से हमने पूरी डिटेल यहाँ पे डाल दी। अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आर यू और एनी मेम्बर ऑफ फैमिली यूनिट एज डिफाइंड अंडर मल्टीपल डीलरशिप नॉर्म ऑफ ब्राउजर फॉर, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से क्या है, आर यू एनी मेम्बर ऑफ यूनिट फैमिली इज डिफाइंड मल्टीपल डीलरशिप नॉर्म ब्राउजर फॉर सिलेक्शन ऑफ डीलर फॉर रेगुलर रूलर आउटलेट इज होल्डिंग एनी एसको डीलरशिप, LDO डीलरशिप, LPG डिस्ट्रीब्यूटर और लेटर ऑफ इंटेंट फॉर द सेम ऑफ एनी ऑयल कंपनी, अगर है तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कुल मिला के ये चीज पूछना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है वेदर अप्लीकेंट इज एन इंडियन सिटीजन, यस आपको यस करना है, अगर नहीं करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ इंडियन एज पर द IT इनकम टैक्स रूल, यस करना है आपको। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा और आपकी एज दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूछ रहा है डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एज प्रूफ, अगर एज प्रूफ में आप किस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना चाहते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं इसको आप देखिएगा दोस्तों। ये आ रहा है आपका 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड लिविंग सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड इशू बाई इलेक्शन कमीशन, पैन कार्ड या आधार कार्ड, जो भी आप देना चाहते हैं उसको दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया पैन कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फादर नेम डालना है, फादर नेम आप उसको डाल दीजिए जो भी फादर नेम है, ठीक है, फादर नेम डाल देना है। मैरिड किस टाइप के हैं, मैरिड है, सिंगल है, विडो है, जो भी है आप उसको डाल दीजिए। आप जैसे मैरिड करेंगे तो यहाँ पे आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है उनका नाम आएगा, उसको आप डाल दीजिएगा, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, एम्प्लॉयड, नो है तो उसको दे दीजिए आप। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आर यू एम्प्लॉयड इन द प्राइवेट सेक्टर और ड्रॉइंग एनी सैलरी पर फ्रॉम द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर है तो उसको आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देगा, If selected, you have to resign from the employment and produce the letter of acceptance of resignation by the employer. ठीक है, मतलब आपको resign कर देना वहाँ से, तभी आपको ये जो है letter of intent मिल पाएगा, ठीक है। LOA मतलब letter of appointment तभी मिल पाएगा जब आप वहाँ से resign कर देंगे, तो यहाँ पे नहीं है, हम नो पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज दे रहा है, एप्लीकेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एफिडेविट इन ओरिजिनल एज पर द फॉर्मेट गिवन अपेंडिक्स 10A, ठीक है। मतलब ये 10A फॉर्मेट में एक एफिडेविट आपको देना है, ठीक है।
उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए एजुकेशन का आ रहा है, अप्लीकेंट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास और इक्विवेलेंट, मतलब इतना आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए। तो 10th पास का सर्टिफिकेट जो भी हो आप उसको यहाँ पे डालने सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड और वो जो भी होगा यूपी बोर्ड इनको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, किस ईयर में पास किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देनी है। तो इन्होंने कर रखा है, ठीक है ये हो गया। ठीक है, अगर आपकी और भी कोई क्वालिफिकेशन है आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक नीचे आ रहा है लैंड डिटेल्स, प्लीज रीड क्लॉज 4 ऑफ ब्राउजर बिफोर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन बिलो, मतलब आप क्लॉज 4 को पहले पढ़ लीजिए अगर यहाँ पे जो भी आप डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या है, कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वुड बी रिक्वायर्ड टू अपलोड इट सबमिट एज वेन एडवाइज बाई द ऑयल कंपनी, मतलब अभी तो आपको अपलोड करना है लेकिन जब भी कंपनी आपको एडवाइस करेगी उसको वही सेम डॉक्यूमेंट्स दोस्तों सबमिट करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप समझिएगा कि सेम डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करना है, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है जो आपने अपलोड किया है। तो दोस्तों हमने ग्रुप वन में सेलेक्ट कर लिया, अभी क्या दे रहा है ओनर ऑफ द लैंड, ओनर ऑफ द लैंड क्या है सेम उनकी ही जमीन है। ठीक है, राधेश श्याम जी की ही जमीन है, सेल्फ की है। रिलेशन क्या है, रिलेशन विद एप्लीकेंट, तो यहाँ पे देखिए मैंने सेल्फ सेलेक्ट कर दी, यहाँ पे स्पाउस है, फादर है, मदर है, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, ब्रदर डॉटर, स्टेप सन, ये सारी चीज़ें हैं जो आप इनको रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर सकते हैं, वही जो है ग्रुप वन में इसको देंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन आपने कब कराया है, तो रजिस्ट्रेशन दोस्तों हुआ है आपका 21 तारीख को। ठीक है, अब यहाँ पे लैंड डिटेल में सारी चीज़ें डालनी है, क्या डालनी है कि लोकेशन ऑफ द लैंड विथ रिस्पेक्ट द रेफरेंस पॉइंट जो भी है उसको आपको फिल करना है। ठीक है, आप यहाँ पे रख दीजिए टू किमी फ्रॉम, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा टू किमी फ्रॉम, जो भी दोस्तों उसको आपके यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, खसरा नंबर क्या है उसको आपको लिखना पड़ेगा 506। ठीक है, अब इसकी जो है वेट और कितनी चाहिए ये सारी चीज़ें दी हुई है यहाँ पे, क्या क्या है ये देख लीजिए, खसरा नंबर दे दिया, डायमेंशन ऑफ लैंड है फ्रंट पे 30 मीटर चाहिए और डेप्थ 30 मीटर चाहिए, मतलब टोटल कितना हो गया 900 स्क्वायर मीटर चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों सपोज दैट कि एक ओनर से आपका काम नहीं चल रहा है, उनके पास ज़मीन कम है, तो आप यहाँ पे ऐड मोर कर सकते हैं जिससे और भी आप ओनर को ओनर की डिटेल इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा, आर यू विलिंग टू ट्रांसफर द लैंड ऑन सेल लॉन्ग लीज टू द ऑयल कंपनी, अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, अगर दोस्तों यहाँ पे आपने कर दिया नो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, दैट इज ये मैंडेटरी है कि आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डू यू वॉन्ट टू ऑफर अनदर प्लॉट ऑफ द लैंड अंडर ग्रुप वन, अगर करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दोस्तों इनके टर्म एंड कंडीशन है उसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आपको एक अंडरटेकिंग करना पड़ेगा, अंडरटेकिंग में हाँ यहाँ पे देखिए एक दे रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, मतलब कुछ भी फाइनेंस में इनको नहीं लगना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे नेम और ये चीज़ दे रहा है, यहाँ पे आपको ऐड करना है फोटो, तो फोटो ऐड कर लेते हैं। फोटो में इन्होंने दे रखा है कि 2 MB का साइज चाहिए, मैक्सिमम जो है 2 MB होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप जो है 2 MB की साइज का फोटो अपलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा का होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको सोच भी नहीं सकते कितने सारे क्लॉज हैं। ठीक है, अब साथ में दोस्तों अब हम यहाँ पे इनका सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं, दोस्तों इनका मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। ठीक है, सिग्नेचर भी आ गया, यहाँ पे क्या है सबमिट एंड प्रोसीड टू पे,
हम सबमिट एंड प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर सिलेक्शन होगा, तो ये चीज़ें ऑयल मार्केटिंग कंपनी ही पे करेंगी। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आ रहा है आर यू रेडी टू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, ओके। आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आगे पेज बढ़ेगा और फिर देखते हैं क्या होता है और नेक्स्ट पेज पे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों सीधा आ रहा है पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है, पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टर्म एंड कंडीशन पे, एक चीज़ देख लीजिए दोस्तों, पेमेंट करने से पहले आपकी सारी डिटेल्स क्या है, एडवर्टीजमेंट क्या है, ये आपका IOCL का है, लोकेशन क्या है, ये सेम लोकेशन है जो मैंने किया था, नेम ये है, मोबाइल नंबर, फीस कितनी जानी है, सारी चीज़ इसमें आप देख लीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पे, जैसे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो नेक्स्ट पे चला जाएगा जहाँ पे आपका होगा चेकआउट पेज आ जाएगा। आपका डेबिट कार्ड के थ्रू भी हुआ है तो इसको आप देख सकते हैं किस तरह से है, और आप इजिली जो है पेमेंट करके यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या आ रहा है SBI ई पे। तो बिलिंग एड्रेस क्या है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, लास्ट नेम डालना पड़ेगा, ये देखिए दोस्तों आ गया, पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर फिलअप होके आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप अपना अगर आपको कार्ड के थ्रू करना है तो कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, और इसके थ्रू करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होके आ जाएगा और इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों।